स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्वाद बनारसी में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं। बंद गोभी पत्ता गोभी एक ऐसी सब्जी है जो सभी खाना पसंद नहीं करते हैं। इसे मैक्सिमम हम नूडल्स बनाने या मंचूरियन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बनाएंगे बंद गोभी से इतना टेस्टी नाश्ता, जो बनाना तो आसान है ही, ये थोड़ा हैवी भी रहेगा। तो यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे, इसमें पत्ता गोभी डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि जितना हम पत्ता गोभी लेंगे उसका आधा प्याज रहे, और हमने प्याज को भी लंबे में काटा है, पत्ते गोभी को भी। तो इसे हम बाउल में डाल लेंगे, इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते डालेंगे और प्याज। अब इसे थोड़ा और हैवी बनाने के लिए हमने यहाँ पे गाजर लिया है, इसे भी लंबे में काट लेंगे। एक चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच दम आलू का मसाला, आप यहाँ पे चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम आधा कप ही डालेंगे, हमें सब्जियों का टेक्सचर ज़्यादा चाहिए। तो थोड़ा सा हम बेसन डालेंगे और इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि पानी हम थोड़ा ही डालेंगे, नमक है तो पानी खुद ही रिलीज करेगा। सबसे पहले हम तवे को तेल से ग्रीस करेंगे। आप यहाँ पे तवा पैन कुछ भी ले सकते हैं। तो अच्छी तरीके से हम इसे ग्रीस कर देंगे। अब एक चम्मच की सहायता से हम इसे तवा पे इस तरीके से रखेंगे और इसे इस तरीके से दबा देंगे। आप चाहे तो टिक्की का सेप या तो घोंसले का सेप दे सकते हैं। तो जितना तवा पे आ जाए आप उतना रख दीजिए। ध्यान रखिएगा कि इसे नमक डाल के आप मत रखिएगा, तुरंत बनाइएगा, नहीं तो आप सारे चीज़ मिला के नमक बाद में मिलाइएगा जब आपको बनाना होगा। जब नीचे के साइड गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इसे पलट के हम दूसरे साइड भी वैसे ही सेक लेंगे। सेकते समय ध्यान रखिएगा कि हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे पकाने में जल्दबाजी ना करें, सब्जियां तो थोड़ा धीरे ही पकाएं। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो बड़े तो बड़े, बच्चे भी खाना पसंद करेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि बच्चे में मिर्च थोड़ा कम करिएगा। होप आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।